प्यारे बच्चों, आज मैं आपको नाइट्रिक अम्ल की प्रयोगशाला विधि, नाइट्रिक अम्ल की व्यापारिक विधि, भौतिक गुण और रासायनिक गुण का अध्ययन कराऊंगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आए। बच्चों, आज मैं आपको बता रहा हूँ नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का अणुसूत्र होता है HNO3। नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल सोडियम नाइट्रेट को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाया जाता है। तो सोडियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ गर्म करने पे ये आपका H और NO3 मिलके HNO3 बनता है, तथा ये आपका बनता है NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये आपका बन गया सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब व्यापारिक विधि। व्यापारिक विधि का दूसरा नाम होता है ओस्टवाल्ड विधि। तो सबसे पहले हम लोग अमोनिया का ऑक्सीकरण 1100 केल्विन ताप पर प्लेटिनम की उपस्थिति में कराते हैं। तो अमोनिया ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, NO बनाती है और जल बनाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकरण कक्ष में ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अवशोषण कक्ष में जल से अवशोषित होकर नाइट्रिक अम्ल बनाती है और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। अब हम लोग आते हैं भौतिक गुण में। तो भौतिक गुण में शुद्ध अवस्था में नाइट्रिक अम्ल रंगहीन तेलीय द्रव्य है। इसमें घुले NO2 के कारण ये अशुद्ध हो जाती है और अशुद्ध नाइट्रिक अम्ल पीला भूरा होता है। इसके बाद नाइट्रिक अम्ल त्वचा पर प्रबल संक्षारक, मतलब त्वचा को जला देती है, प्रबल संक्षारक प्रभाव डालता है तथा पीड़ादायक घाव बनाता है। रासायनिक गुण अपघटन। नाइट्रिक अम्ल ऊष्मा की उपस्थिति में अपघटित होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जल तथा ऑक्सीजन देता है। इसके बाद अम्लीय लक्षण। नाइट्रिक अम्ल जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन H3O+ तथा नाइट्रेट आयन NO3- बनाता है। इसके बाद नाइट्रिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके लवण सोडियम नाइट्रेट तथा जल उत्पन्न करता है। ऑक्सीकारण गुण। नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक होता है। नाइट्रिक अम्ल कार्बन को कार्बोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। C+4HNO3 गिव्स H2CO3+4HNO2+H2O। नाइट्रिक अम्ल आयोडीन को आयोडिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। I2+10HNO3 गिव्स 2HIO3 आयोडिक अम्ल 4H2O10NO2। इसके बाद नाइट्रिक अम्ल फास्फोरस अणु को फास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। P4+20HNO3 गिब्स फास्फोरिक अम्ल प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। नाइट्रिक अम्ल सल्फर अणु को सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीकृत कर देता है। S8+48HNO3 गिब्स 8H2SO4+48NO2+16H2O। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मेहनत करिए, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, याद कर लीजिए।